का वीडियो जब वायरल हुआ तो जहां पुलिस की खाकी सवालों के घेरे में आ गई, वहीं विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पाटन क्षेत्र के एसडीओपी एसएन पाठक के कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिसमें वे पैसे गिनते दिख रहे हैं। पैसे देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहपुर थाने में पदस्थ आरक्षक देवेंद्र जाट है, जिसे पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने एसडीओपी पाटन का स्पष्टीकरण लिया था। इसी महीने के 7वीं तारीख को मैंने 4 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, जिसमें रेत चोरी करने वालों का नाम और रेत अवैध स्टॉक करने वालों का नाम इनसे पूछा गया था। लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया था वो बड़ा गोलमाल जवाब था, जिसके चलते बीती 22 तारीख को मैंने एक डीओ भी लिखा था और उस डीओ में अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि आपने जो मेरे द्वारा जानकारी चाही गई है उसका गोलमोल जवाब नहीं दिया। कल 24 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हमारे शाहपुरा के कांस्टेबल देवेंद्र जाट पैसा देते हुए दिख रहे हैं और एक जो 420 का प्रकरण का आरोपी है, रेत का अवैध धंधा करता है अमित अग्रवाल, वो भी वहाँ दिखाई दे रहा है और पैसा दिया जा रहा है और रजिस्टर में बाकायदा एंट्री की जा रही है। ये सारे कृत्य जो हो रहे हैं वो पुलिस की वर्दी में किए जा रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक है और इसको तत्काल मैंने संज्ञान में लिया है। रात में ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में ये सारी चीज़ें वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने प्रेषित कर दी हैं और एडिशनल एसपी साउथ संजीव उइके को जाँच दी है। देवेंद्र जाट को मैंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है, उनकी प्राथमिक जाँच भी संस्थापित की गई है। इसके अलावा एसडीओपी पाठक को एडिशनल एसपी रूरल द्वारा भी पत्राचार किए गए हैं। अमित अग्रवाल के संदर्भ में भी इनसे पूछताछ की गई है। पहले इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मेरे उससे कोई संबंध नहीं है। ये सारे इंटेलिजेंस हमारे पुलिस के पास थे और सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में थी। जाँच में ये सारी चीज़ें पूरक के तौर पर जोड़ी जाएंगी और निश्चित तौर पर इससे पुलिस की छवि पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो पुलिस रेगुलेशन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अधिकार है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें देखिए, आपको पता होना चाहिए पुलिस अधिकारी का पावर होता है। ऐसे पुलिस अधीक्षक, मेरा पावर सस्पेंड करने का सिर्फ और सिर्फ जो नॉन जीओज हैं, एनजीओज हैं, उनको है। जो गेजेटेड राजपत्रित अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग राज शासन द्वारा होती है, उनको सस्पेंड करने का अधिकार मुझे नहीं है। उन्हें सिर्फ अधिकार जो है वो पीएचक्यू को है और राज्य शासन को है, वहाँ से अनुशंसा की जाती है। जो कल मैंने डीजी साहब को पत्र लिखा है उसमें मैंने इसकी अनुशंसा की है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे अधिकार क्षेत्र में है उनकी जाँच करवाने का, जो मैंने तत्काल वीडियो वायरल होने के कुछ मिनटों के अंदर ही मैंने एडिशनल एसपी साउथ को जाँच दे दी है और जो उसमें तथ्य सामने आएगा वो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और फिर पीएचक्यू के स्तर पर उनकी डी होगी, विभागीय जांच होगी, जो आईजी रैंक के ऑफिसर करते हैं। सर ये